पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एहसान मनी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि BCCI पर बड़ा बयान जारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP पर निशाना साधा है। PCB के पूर्व अध्यक्ष एहसान मनी का मानना है कि BCCI में भाजपा का काफ़ी प्रभाव है। उनका मानना है कि BJP की वजह से ही पाकिस्तान और भारत की बात क्रिकेट को लेकर नहीं हो पाती है। एहसान मनी ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए अपना बयान देते हुए कहा कि भले ही BCCI के पास सौरभ गांगुली है, लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि उनके बोर्ड के सचिव कौन हैं? अमित शाह के बेटे जय शाह BCCI के कोषाध्यक्ष अरुण धूमिल भाजपा के एक मंत्री के भाई हैं। असली कंट्रोल तो उनके पास है और BJP BCCI को निर्देश देती है, इसलिए मैंने उनके साथ समझौता नहीं किया और ना ही उनकी बात की। आपको बता दें कि इससे पहले भी PCB के पूर्व अध्यक्ष रमीज राजा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हुए कहा था कि 90% ICC मोदी के दिए हुए फंड से चलता है, वो जब चाहे तब BCCI में ताला लगवा सकते हैं। पाकिस्तान के पूर्व और वर्तमान अध्यक्षों द्वारा लगातार इस तरह के बयान देखे जा रहे हैं, जो ये बताता है कि ये बयान BCCI को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।